हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं और मुद्दा ये है कि जीएसटी में सेट ऑफ के रूल्स क्या है। और ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे आपको रूल्स समझा रहा हूं, मैं आपको जीएसटी सेट ऑफ रूल्स की पूरी जर्नी बता रहा हूं कि कैसे कैसे ये नियम बदले और कैसे सरकार सेक्शन 49 से होते हुए 49A और B पे आई और फिर अल्टीमेटली सरकार को रूल 88A लाना पड़ा। देखिए बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पहली बार समझते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत समय लगता है। जब आप छोटे थे तो आपको गिनती गिनने में भी बहुत समय लगा सीखने में। जब आप स्कूल जाते थे तो रोज रोज वही 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 गिनती आपसे करवाई जाती थी, तब जाके आज आप गिनती इतने अच्छे से कर पाते हैं। तो चीजें आसान भी होना तो उसे पहली बार सीखने में समय लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर लंबा चलेगा, कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल 88A है, तो इसलिए आप इसको बड़े मन से सुनिए। नोट्स जितने भी है वो सब PDF में मैं लगा दूंगा, लिखना कुछ नहीं है, पूरा मन लगा के आप इसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा सेट ऑफ रूल्स पे चौथा लेक्चर है और वैसे कहा जाए तो पांचवा, क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्रेशन टॉपिक खत्म किया था तो उसका जो लेक्चर नंबर 20 था वहीं से ITC शुरू कर दिया था। तो आप उन पिछले लेक्चर्स को भी फॉलो कीजिए तब इस पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहां से शुरू किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और आपको बताया था कि हम जीएसटी टैक्स कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से और कस्टमर से जो भी जीएसटी टैक्स कलेक्ट किया जाता है उस कलेक्टेड जीएसटी में से हम अपना पेड किया हुआ जीएसटी माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि जीएसटी पेएबल का अमाउंट कितना रहेगा। लेकिन इसके कुछ नियम कायदे हैं और ये उसकी पूरी जर्नी है कि जो सेट ऑफ के रूल थे वो क्या थे। ये सबसे पुराने वाले रूल थे, सबसे ओल्ड रूल सेक्शन 49 जो अब खत्म हो गया है। उसके बाद में रूल आया सेक्शन 49A और सेक्शन 49B, ये भी अब खत्म हो गया क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि इसमें व्यापारियों को ये दिक्कत आ रही थी कि एक ही प्रकार के या तो CGST या तो SGST एक ही प्रकार के टैक्स का ITC जमा होता जा रहा था व्यापारियों के पास और उन्हें अननेसेसरीली टैक्स कैश में पे करना पड़ रहा था, यानी ITC होते हुए भी व्यापारी कैश में टैक्स पे करने को मजबूर थे। और इसके कारण सरकार ने ये रूल्स भी वापस ले लिए और फाइनली अब जो हमारे देश में रूल्स अप्लीकेबल है वो है रूल 88A। और ये जो रूल 88A है, इस रूल 88A को ही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। आप इस पे पूरा ध्यान देंगे, रूल 88A पे कहता है अगेन न्यू रूल बाय सर्कुलर 98/17/2019 ऑन 23rd April 2019। देखो वो जो सेक्शन 49A और B थे वो कब आए थे, तो 49A और B जो आए थे वो आए थे 1st of February 2019 को, तो फरवरी चले, मार्च चले और अप्रैल के 23 दिन। उसके बाद में सरकार ने सेक्शन 168 की अपनी पावर को यूज किया और इंट्रोड्यूस किया रूल 88A, यानी अब अपने देश में जीएसटी पे करने के लिए या ITC का सेट ऑफ लेने के लिए जो रूल है वो न तो सेक्शन 49 अप्लीकेबल है, न तो सेक्शन 49A और 49B अप्लीकेबल है। अब हम अकॉर्डिंग टू रूल 88A ही जीएसटी के ITC का सेट ऑफ क्लेम करेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ने हैं रूल 88A। क्या कहते हैं रूल? रूल कहता है कि फर्स्ट यूज IGST ITC, मतलब आपके पास में अगर IGST का ITC अवेलेबल है
तो आप पहले उसको यूटिलाइज करेंगे। पुराने नियम में क्या था? था कि आप आईजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे, पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी, ऐसा एक सीक्वेंस था। अब ये बोला गया कि आप पहले आईजीएसटी का पूरा आईटीसी यूटिलाइज करेंगे इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन। मतलब आपको कुछ भी करके आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करना है बेटा। बोला चाहे आप उसको किसी भी क्रम में यूटिलाइज करो, चाहे आप उसको किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज करो। मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम करके बताऊंगा तो आपको समझेगा कि ऑर्डर क्या है और प्रपोर्शन क्या है। पर यह बात समझ लीजिए कि अगर आपको जीएसटी का सेट ऑफ लेना है, आईटीसी का सेट ऑफ लेना है, तो आईटीसी का सेट ऑफ लेने के लिए आपको सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन। और आप जानते हैं कि आईजीएसटी से क्या क्या सेट ऑफ हो सकता है। तो आईजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ होता है, सीजीएसटी सेट ऑफ होता है, एसजीएसटी भी सेट ऑफ होता है। ये पहले भी होता था, अब भी होता है, पर अब किसी भी क्रम में और किसी भी प्रोपोर्शन में। अगर आपके पास में सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो आप सीजीएसटी के आईटीसी से पहले सीजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी पे करेंगे, फिर आईजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी पे करेंगे। यानी अगर आपके पास में सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल होता है तो आप सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी को एडजस्ट करो, बाद में आईजीएसटी को एडजस्ट करो। तो सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी एडजस्ट होगा, बाद में आईजीएसटी। और आगे लिखा है एसजीएसटी का अगर आपके पास में आईटीसी अवेलेबल है तो एसजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी पहले एडजस्ट करो और फिर आईजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी एडजस्ट करो। यानी आईजीएसटी तीनों में एडजस्ट हो सकता है, आईजीएसटी में भी, सीजीएसटी में भी, एसजीएसटी में भी। सीजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी से ही एडजस्ट होता है, और एसजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी से ही एडजस्ट होता है। यानी दुश्मनी अभी भी कायम है। मैंने बताया था ना, आपको याद होगा कि किस में दुश्मनी है। तो दुश्मनी है एसजीएसटी में और सीजीएसटी में। ये कभी भी आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे, ये बात दिमाग में रखिए। अब मैं आपको वो सर्कुलर बताता हूं। ये देखिए, ये है बेटा सर्कुलर नंबर 98/17 2019। क्या है सब्जेक्ट? क्लेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 49 वॉज अमेंडेड। याद है ना, सेक्शन 49 सबसे शुरू में, फिर अमेंड होके उसकी जगह आया 49A और 49B। ये लिखा भी है, वेयर इंसर्टेड बाय सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2018। जब ये जीएसटी एक्ट अमेंड हुआ 2018 में, तो यहाँ पे 1 फरवरी 2019 से सेक्शन 49A और बी अप्लीकेबल हो गए। क्या लिखता है आगे? मैंने आपको पिछले बार, पिछले लेक्चर में सेक्शन 49AB से प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था और बताया था कि प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? देखिए क्या है, वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री। व्यापारी लोग चिल्लाने लगे कि सरकार ये कौन सा रूल ला दिया आपने, आईटीसी जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, और हमारे धंधे में से कैश बाहर जाती जा रही है, जाती जा रही है। ऐसे हम कब तक बिजनेस चलाएंगे? तो इसलिए उन्होंने लिखा कि हम पुराने रूल्स जो है उनको कैंसल कर रहे हैं। क्या थी प्रॉब्लम वो भी लिखी, अकुमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वन काइंड ऑफ टैक्स आइदर एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये समस्या आने लगी कि एक प्रकार के टैक्स का क्रेडिट जमा होने लगा और दूसरे प्रकार का जो टैक्स है वो हमको कैश में देना पड़ा। ये समस्या मैंने पिछले लेक्चर में आपको करके भी बताई कि कैसे कैश की प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
अकॉर्डिंगली रूल 88A वॉज इंसर्टेड, और इसलिए सरकार 168(1) में अपनी पावर का उपयोग करते हुए ये रूल 88A लेके आई। और रूल 88A क्या कहता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि पहले IGST को यूज़ करो। IGST को यूज़ करो किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में, और तीन काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, IGST, CGST और SGST को एडजस्ट करने के लिए। फिर बोला CGST का क्रेडिट यूज़ करो दो कामों के लिए, CGST और IGST के लिए। SGST को यूज़ करो दो कामों के लिए, SGST और IGST के लिए। और दो दुश्मनी, दो लोगों की दुश्मनी अभी भी कायम रखो, SGST और CGST आपस में सेट ऑफ होते नहीं। आइए आगे। फिर लिखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स हैज बीन यूटिलाइज कंप्लीटली। कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST, इसको आप पहले कंप्लीटली यूटिलाइज करो। बिफोर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST, कहता है CGST और SGST का क्रेडिट लेने से पहले IGST का क्रेडिट लेना जरूरी है। आगे लिखते हैं, फर्दर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49, क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स हैज टू बी यूटिलाइज फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। IGST को पहले IGST के लिए यूज करो, उसके बाद CGST के लिए यूज करो, उसके बाद SGST के लिए। मतलब IGST के ITC से पहले IGST सेट ऑफ करो, फिर CGST सेट ऑफ करो, फिर SGST सेट ऑफ करो। ये रूल था पुराना, मतलब ऐसा मत समझना कि ये नया है, ये रूल था पुराना। आगे लिखते हैं, दिस लेड टू सिचुएशन इन सर्टन केसेस वेयर टैक्स पेयर हैज टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वन टाइप ऑफ टैक्स। और इस सिक्वेंस के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, इसलिए सरकार ने क्या कहा, देखिए, न्यूली इंसर्टेड रूल 88A अलाउज यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स एज द केस मे बी इन एनी ऑर्डर। कहता है भाई अब वो पुराना जो सिक्वेंस था उसको भूल जाओ, इन एनी ऑर्डर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एंटायर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इंटीग्रेटेड टैक्स इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फर्स्ट। केवल एक ही शर्त आपके सामने रखी कि कैसे भी करके पहले IGST का क्रेडिट यूटिलाइज कर लो। और फर्दर क्लेरिफाई किया, यहां देखिए शब्दों पे गौर कीजिए, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रपोर्शन में। फिर ये सीक्वेंस समझाई, पर ये सीक्वेंस मैंने सिंपलीफाई करके आपको पहले ही समझा दी, यहां से समझने में आपको थोड़ी दिक्कत जाएंगी। फिर खुद गवर्नमेंट ने एक इलुस्ट्रेशन दिया, एक प्रॉब्लम बना के दिया, बोला इस पे से आप समझ जाओ, उसका सॉल्यूशन भी दिया। ये देखिए उसका जो है सॉल्यूशन भी दिया, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। बोला आप तो आपकी मर्जी है, चाहे जैसा यूज करो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 1 का आंसर निकाल के दिया, ये ऑप्शन 2 का आंसर निकाल के दिया। और फिर एक बात भी बोली कि कॉमन पोर्टल पे अगर ये अपडेट नहीं है तो पुराने तरीके से चलने दो, पर समय के साथ तो GST का पोर्टल अपडेट हो जाएगा। और ये सर्कुलर का आखिरी पेज है कि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, और सर्कुलर हिंदी में भी है, ऐसा भी लिखा है। तो चलिए अब मैं आपको ये रूल 88A जो है ये समझा रहा हूँ, और मैं रूल 88A आपको तीन तरह से सॉल्व करवा के बताऊंगा, तीन, क्योंकि अब तो सरकार ने फ्रीडम दे दी, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, तो अब तो आपकी मर्जी है, अब आप जिस तरह से उसको एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि उसमें से कौन सा तरीका गलत है, ये भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका सही है,
और सही में कितने तरीके हैं वो भी बताऊंगा। तो मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो रूल 88A के नोटिफिकेशन में खुद सरकार के द्वारा दिया गया है। ये गवर्नमेंट के खुद के द्वारा दिया गया एग्जाम्पल है, वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कहता है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एंड आउटपुट लाइबिलिटी अंडर डिफरेंट टैक्स हेड, इंटीग्रेटेड टैक्स IGST, सेंट्रल टैक्स CGST और स्टेट या यूनियन टेरिटरी टैक्स यानी कि SGST या UTGST एज द केस में भी। तो जैसा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट लाइबिलिटी 1,000 की है, यहाँ 300 रुपये की, यहाँ 300 की, ये उसकी टोटल है। इनपुट क्रेडिट 1,300 का अवेलेबल है IGST में, CGST में 200 का और SGST में 200 का। रूल्स क्या कहते हैं? रूल कहते हैं फर्स्ट यूज IGST ITC, कि भाई कुछ भी करो पहले IGST को यूज करो। इन एनी प्रपोर्शन टू सेट ऑफ IGST CGST SGST। कहता है किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रपोर्शन में आप इसको यूज करो, ठीक है। अब आप एक मेरी बात समझो, थोड़े से कूल डाउन हो जाओ, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम 3 बार सॉल्व करना है, और थोड़ा सब्र रख के मेरी एक एक बात समझो। लिखने के चक्कर में तो पढ़ो मत, पूरा PDF नीचे लगा दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है, पर पहले मन लगा के समझ लो। अब जो मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं वो है फर्स्ट, या मैं इसको कहता हूं जीरो ऑप्शन, ठीक है। जीरो ऑप्शन इसलिए कि सरकार के नोटिफिकेशन में दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। मैं आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूं, तो एक ऑप्शन को मैं जीरो ऑप्शन कह रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। रॉन्ग है मतलब रॉन्ग यानी ऐसा नहीं कि लीगली रॉन्ग है, पर एक व्यापारी के दृष्टिकोण से रॉन्ग है। फिर मैं गवर्नमेंट ने जो दो सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं वो भी समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। क्या बोलती है सरकार, देखिए सरकार ये बोलती है कि भाई फर्स्ट यूज IGST, तो टाइप ऑफ टैक्स में मैं सबसे पहले लिखता हूँ IGST, ठीक है। वॉन्ट टू पे आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ, मेरे ऊपर IGST की जो लाइबिलिटी है वो कितने की है देख लीजिए, 1,000 रुपये की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे 1,000 रुपये की लाइबिलिटी पे करनी है। मेरे पास ITC कितना अवेलेबल है, ये देखिए 1,300 रुपये का ITC अवेलेबल है IGST का, तो यहाँ लिख देता हूँ कि 1,300 रुपये का ITC अवेलेबल है। अब यूटिलाइज ITC, मैं इस ITC को यूटिलाइज करता हूँ, बात को समझो। मुझे सरकार को 1,000 रुपये IGST के देने हैं और मुझे सरकार से 1,300 रुपये IGST के लेने हैं। देना है वो लाइबिलिटी है, लेना है वो असेट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1,300 रुपये है तो चलो उसमें से 1,000 रुपये को यूटिलाइज कर लेते, तो मैंने 1,000 रुपये का ITC यूटिलाइज कर लिया, क्लियर। 1,300 में से 1,000 यूटिलाइज कर लिए तो बचे कितने, 300। ये 300 अनयूटिलाइज रह गए। फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फाइनल रिजल्ट निकला कि लाइबिलिटी जीरो हो गई और ITC बैलेंस 300 रहा, है ना। दो नतीजे आए ना सामने, पहला नतीजा ये कि 1,000 रुपये गवर्नमेंट को देने थे वो हमने 1,300 रुपये में से 1,000 एडजस्ट कर लिए, तो IGST पे करने की लाइबिलिटी खत्म हो गई। और दूसरा नतीजा ये आया कि 300 रुपये का अभी भी मेरे पास में ITC का क्रेडिट बचा हुआ है। आगे बढ़ते CGST पे आते, प्रॉब्लम को देखिए। प्रॉब्लम कहता है कि CGST की लाइबिलिटी 300 रुपये की है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि CGST की लाइबिलिटी 300 रुपये की है, क्लियर। रूल्स पे आता हूं, 88A, कौन से रूल फॉलो कर रहे, 88A।
तो 88A के अकॉर्डिंग CGST का ITC अगर आपके पास में है तो उसको आप CGST पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और IGST का ITC आपके पास में है तो उसको भी आप CGST पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप IGST के क्रेडिट को भी CGST पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप CGST के ITC को भी CGST पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा देखो, मेरे पास ना यहाँ पे 300 रुपये का ITC अवेलेबल है। ये 300 रुपये का ITC मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना बेटा मैं ऐसा करूँ कि मैं ये 300 रुपये को यूटिलाइज कर लूँ। आपने बोला सर ठीक है, आप 300 रुपये को यूटिलाइज कर लो। तो मैंने 300 रुपये यूटिलाइज कर लिए, कौन से IGST के ITC को मैंने यूटिलाइज कर लिया। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखूँगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक। मैंने 300 रुपये का ITC यूटिलाइज कर लिया, 300 रुपये IGST ITC यूटिलाइज। अब देखो, मुझे गवर्नमेंट को 300 रुपये CGST के देने थे और मैंने 300 रुपये IGST का ITC यूटिलाइज कर लिया, यानी मेरी CGST की लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। तो यहां लिख देता हूं कि लाइबिलिटी हो गई जीरो, लाइबिलिटी जीरो। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर विशेष ध्यान। प्रॉब्लम कहता है कि मेरे पास में CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट 200 रुपये का है। तो मैंने लिखा क्रेडिट 200 रुपये का अवेलेबल है। क्या मैंने CGST के क्रेडिट को यूटिलाइज किया? तो जवाब है नहीं। ये देखो सेकंड ऑप्शन क्या था कि CGST का क्रेडिट CGST की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करो या IGST की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करो। मैंने क्या किया, मैंने CGST की लाइबिलिटी को IGST से पे कर दिया और मैंने अपना CGST का क्रेडिट जैसे का वैसा पड़ा रहने दिया। और मैं कह रहा हूं कि अब मेरे पास में ITC बैलेंस बच गया 200 रुपये। अनयूटिलाइज ITC 200 था और ITC का जो बैलेंस था वो भी 200 रुपये का बच गया। अब बारी आती है तीसरे की, यानी कि SGST की। मेरे पास में SGST की जो लाइबिलिटी है वो देखिए प्रॉब्लम में कितने की है, 300 रुपये की। तो ये लिख देता हूँ SGST की जो लाइबिलिटी है वो 300 रुपये की है। और फिर SGST का मेरे पास में क्रेडिट अवेलेबल है 200 का, तो मेरे पास में ITC अवेलेबल है 200 का और मैं ITC यूटिलाइज कर रहा हूँ 200 का, SGST का ही ITC यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो अनयूटिलाइज्ड ITC हो गया जीरो, ठीक है। अब मुझे 300 रुपये का SGST पे करना था। 300 रुपये का SGST पे करने के लिए मैंने देखा मेरे पास में SGST के खाते में 200 ही थे, और रूल ये कहता है कि SGST का जो ITC अगर हो तो उससे आप SGST की लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने SGST के ITC को यूज़ करते हुए ये पेमेंट 200 रुपये का कर दिया। अब मेरे पास में कोई ITC बचा नहीं। अब 300 में से 200 तो एडजस्ट हो गए, अब बचे कितने रुपए, 100। तो मैं कह रहा हूं 100 रुपीज पेड इन कैश, 100 रुपीज पेड इन कैश। मैंने 100 रुपए कैश में पेड कर दिए। उपाय नहीं है ना, आप बोलेंगे सर ITC यूटिलाइज कर लो। ठीक है बेटा, ये फाइनल रिजल्ट देखो, क्या मेरे पास में
IGST का ITC बचा, ये 300 मैंने यहाँ यूटिलाइज कर लिए, जीरो हो गए। क्या मेरे पास में SGST का ITC बचा, सॉरी CGST का, तो ये 200 रुपये बचा है। लेकिन आपको बार बार बता रहा हूँ कि SGST और CGST दुश्मन हैं, यह आपस में सेट ऑफ होते नहीं। मतलब मैं CGST के 200 रुपये को ये वाले 100 रुपये पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, और ये 100 रुपये मुझे गवर्नमेंट को कैश में ही पे करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि बेटा ये जो मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ ये कैसा है, रॉन्ग अप्रोच है। मतलब इस तरह से अगर मैं जाऊँगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो अब मेरे पास में दो रास्ते, इसीलिए मैंने इसको कहा था कि ये जीरो ऑप्शन है। जीरो ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन को मुझे यूज नहीं करना है। बट आप लोगों से एग्जाम में गलती हो सकती है कि आप ऐसा ऑप्शन लगा दो और आपसे गलती हो जाए। तो मैं आपको बेस्ट मैनर में ITC का यूटिलाइजेशन सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जीरो ऑप्शन था ये मेरे लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये रॉन्ग है और आपने इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी भी समस्या बनी है कि आपको कैश पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आप कोशिश करो कि कुछ इस तरह से ITC को सेट ऑफ करो कि कैश पेमेंट ना करना पड़े। तो उसके लिए आइए ऑप्शन वन पे। सेम क्वेश्चन, सेम रूल्स, ऑप्शन वन, ये वही ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में सजेस्ट किया है। ऑप्शन वन एज पर रूल 88A। ठीक है बेटा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो होंगे ही, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो आप इसको पॉज कर करके, रुक रुक के, रिपीट कर करके, आराम आराम से देखिए। ठीक है, मन लगा के देखेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए। अब आइए ऑप्शन वन पे आता हूं मैं। ऑप्शन वन क्या कहता है कि मेरे पास में, जैसा कि सरकार कह रही है कि बेटा पहले IGST को यूज करो, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं IGST। जैसा कि प्रॉब्लम में था, मेरे ऊपर 1,000 रुपए की IGST की लाइबिलिटी थी, 1,000 रुपए की IGST की लाइबिलिटी थी। मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था, कितना, 1,300 रुपये, 1,300 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था। अब मुझे ITC को यूटिलाइज करना है, कहते हैं इसको ऐसे यूटिलाइज करो, इन एनी ऑर्डर, इन एनी मैनर, आप जैसे मन मर्जी इसको यूटिलाइज करो, हमको गवर्नमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आप पढ़ो दोबारा रूल, लिखता है फर्स्ट यूज IGST ITC इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। और IGST को किस किस को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, तो आप IGST, CGST, SGST किसी को भी सेट ऑफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आइए, पहला काम, मैं IGST को ही यूटिलाइज करता हूं। ठीक है, तो 1,000 IGST सेट ऑफ, मैंने पहला सेट ऑफ ले लिया किसका, IGST का। तो आप देखो मेरे पास में 1,300 रुपये का ITC था, 1,000 रुपये का मैंने IGST का सेट ऑफ ले लिया, मुझे ये 1,000 रुपये पे करने थे। तो अब मेरे पास में कितने रुपए बचे, तो अब मेरे पास में 300 रुपये बचे, 300 बैलेंस बचे। सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है कि ये 300 रुपये को आप किसी भी क्रम में, किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज करो। अब देखिए पिछले ऑप्शन में मैंने क्या किया था, मैंने ये 300 रुपये पूरा का पूरा CGST पे करने में यूटिलाइज कर लिए थे। देख रहे हैं आप,
ये जो 300 बचे थे इसका पूरा उपयोग मैंने क्या पे करने के लिए, क्या सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइजेशन कर लिया था सीजीएसटी। लेकिन अपन तो अब फ्री है ना, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। तो अब आप आइए, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या निकला? तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी वो जीरो हो गई, और आईजीएसटी का जो आईटीसी बचा था वो अभी 300 रुपये अपने पास में बचा हुआ है। आईजीएसटी का आईटीसी 300 रुपये, 300 रुपीज़ का बचा है। ठीक है, अब आते हैं बेटा सीजीएसटी पे। अब आप देखो, मेरे पास में सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो 300 रुपये की है। सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितने की है? 300 रुपये की। पिछली बार इस 300 रुपये को पे करने के लिए मैंने आपको कहा था कि ये वाले 300 पूरे यूटिलाइज कर लो। अब मैं कह रहा हूँ फ्रीडम है ना, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, तो चलो हम इसमें से 200 रुपये को ही यूटिलाइज करते। कितने के कितने रुपए को? 200 रुपये को। तो यूटिलाइज आईटीसी 200 कहाँ से? आईजीएसटी में से। तो ये यहाँ, ठीक है, 300 में से कितने यूटिलाइज कर लिए? 200। अगर 300 में से 200 यूटिलाइज कर लोगे आईजीएसटी में से, तो 100 रुपये देने बाकी है। प्रॉब्लम पे आओ, प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है कि सीजीएसटी के खाते में 200 रुपये का आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है। 200 रुपये का आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये 200 रुपये का क्रेडिट यहाँ लिख दिया जाए, आईटीसी अवेलेबल 200 रुपये, सीजीएसटी के खाते में 200 का क्रेडिट अवेलेबल है। सेकंड रूल पे आइए, अगर आपके पास में सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो आप उससे सीजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यूटिलाइज करेंगे, 200 में से कितना यूटिलाइज करना है? 100। तो ये 100 मैंने सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, तो 200 रुपये मैंने आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, 100 रुपये मैंने सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, तो मेरी सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो जीरो हो गई। सीजीएसटी लाइबिलिटी जीरो हो गई, ठीक है। और 300 में से 300 रुपये को पे ऑफ करने के लिए मैंने 200 रुपये का आईजीएसटी यूज किया और 100 रुपये का सीजीएसटी यूज किया, मतलब 200 रुपये में से केवल 100 रुपये ही सीजीएसटी यूज किया, तो 100 का सीजीएसटी क्रेडिट अभी भी बचा है। तो यहां लिख देता हूं सीजीएसटी आईटीसी 100 रुपये का बचा है। ये वाले 300, ये वाले 300 में से आप देख रहे 200 यूटिलाइज हो गए हैं। अब बारी आती है एसजीएसटी की। एसजीएसटी को आप देखिए, तो क्वेश्चन पे आइए, देख पा रहे हैं कि 300 रुपये एसजीएसटी का आउटपुट लाइबिलिटी पे करना है। 300 आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में अभी भी यहां, एक तो मैं यहां लिख देता हूं 100 रुपये, ये अनयूटिलाइज आईटीसी 100 रुपये है, वो यहां लिख देता हूं। अब ये 300 में से आप देखिए, मैंने 200 रुपये यहां यूटिलाइज कर लिए थे, 300 में से 200 रुपये यहां यूटिलाइज कर लिए थे। अब ये 300 में से 100 रुपये और बचे, तो ये 300 में से 100 रुपये यहां यूटिलाइज कर लेता हूं आईजीएसटी। कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूं? देखिए कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूं कि आप आईजीएसटी को पूरा यूटिलाइज करेंगे। रूल क्या है कि आईजीएसटी को पूरा यूटिलाइज कर लो, और आईजीएसटी को पूरा यूटिलाइज करो इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। तो मैंने आईजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज किया, सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज किया, एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज किया। देखो ये जो 1000 रुपए थे, इस 1000 को पे ऑफ करने के लिए यूज किया,
फिर 300 बचे, उसमें से ये 200 यूज़ किए, और फिर 300 में से 200 यूज़ करने के बाद में 100 बचे, वो 100 यूज़ किए। यानी मैंने IGST को पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। IGST बचना नहीं चाहिए, पहला काम करो IGST ख़त्म करो। मैंने वही किया, पहले IGST को ख़त्म किया। अब 300 रुपये का SGST है, और यहाँ देखो आप प्रॉब्लम में, 200 रुपये की आपके पास में SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो हमारे पास में 200 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है SGST का। रूल कहता है कि SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट SGST की आउटपुट लाइबिलिटी पे करने में काम आ सकता है, तो आप इसको यहाँ यूटिलाइज कर लो। 200 रुपये SGST का क्रेडिट यूटिलाइज हो गया, यानी अब मेरे पास यहाँ पे कोई क्रेडिट बचा नहीं। ये 300 रुपये भी पूरे यूटिलाइज हो गए, जीरो। और यहाँ पे मेरी जो SGST की लाइबिलिटी थी वो हो गई जीरो, SGST की लाइबिलिटी हो गई जीरो। तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनल नतीजा क्या निकला। जरा देखिए हमने रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए। हमने रूल्स फॉलो किए, पहला 1,000 रुपये IGST पे करना था, 1,300 रुपये ITC अवेलेबल था IGST का। सरकार का पहला रूल है कि IGST का क्रेडिट पूरा का पूरा यूटिलाइज करो। मैंने किया, पहले यहाँ पे यूटिलाइज किया, उसके बाद यहाँ पे यूटिलाइज किया, उसके बाद यहाँ पे यूटिलाइज किया। चाहो तो इसको थोड़ा एक कलर में ले आता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने IGST को पूरी तरह से यूटिलाइज किया, गवर्नमेंट के कहे अनुसार, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। तो मैंने 1,000 रुपये यहाँ यूज कर लिया, IGST सेट ऑफ किया, 200 रुपये यहाँ पे यूज कर लिए, CGST सेट ऑफ किया, 100 रुपये यहाँ पे यूज कर लिए, तीसरे नंबर पे SGST को मैंने सेट ऑफ किया, पूरा IGST खत्म किया। फिर मैं आया CGST पे, 300 रुपये CGST के देने थे, 200 रुपये IGST से दे दिए और 100 रुपये CGST से दे दिए। तो मेरे पास में CGST की, यहाँ पे मेरे पास में CGST का क्रेडिट 100 रुपये बचा है, जिसको मैं अगले महीने यूज़ करूँगा। और अंत में 300 रुपये का SGST था, उसमें से 100 रुपये IGST यूटिलाइज करके और 200 रुपये इस SGST को यूटिलाइज करके दे दिए। तो अल्टीमेटली SGST की लाइबिलिटी जीरो बची और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो आप देख रहे हैं कि ये 300 रुपये पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए, और क्योंकि ये 300 रुपये पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए तो ये जीरो हो गए। तो ना IGST बचा ना SGST बचा। आपके पास में अगर कुछ बचा है 100 रुपया, तो वो सिर्फ CGST का 100 रुपया बचा है, ठीक है। अब आइए ऊपर, जो नोटिफिकेशन का सॉल्यूशन है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये था नोटिफिकेशन का ऑप्शन 1, जो गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन दिया था। गवर्नमेंट के दिए गए सॉल्यूशन में भी देखिए 100 रुपये बचे हैं, और ये 100 रुपये काय के बचे हैं देख लीजिए, वो भी यही दिखा रहा है कि 100 रुपये CGST के बचे हैं। बट हो सकता था कि वो आपको समझने में दिक्कत होती, तो मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया। हमारा भी आंसर वही आया, थक तो नहीं गए आप? देखिए बेटा, आज के लेक्चर में थकना मना है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, समझना तो पड़ेगा। आप भले ही लेक्चर को पॉज कर करके देखो, पर देखो पूरा एक सिटिंग में, मतलब थक जाओ 15 मिनट बाद बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, फिर देखो चलेगा, लेकिन देखना पूरा है। अब आइए सेकंड ऑप्शन पे, गवर्नमेंट ने जो सेकंड ऑप्शन दिया उस पे। अब ये जल्दी हो जाएगा, देखिए फिर से वही बात। मेरे पास में 1,000 रुपये का आउटपुट लाइबिलिटी है IGST का, तो IGST की टैक्स लाइबिलिटी 1,000 रुपये की है।
मेरे पास में 1300 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST में अवेलेबल है। 1300 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST में अवेलेबल है। मैं कहता हूँ पहले मैं 1000 रुपये तो यूटिलाइज कर लूँ, तो मैंने 1000 रुपये यूटिलाइज कर लिए, IGST का ITC यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अनयूटिलाइज कितना रह गया? 300 रुपये। फाइनल रिजल्ट ये कि IGST की लाइबिलिटी हो गई जीरो, ठीक। और रिजल्ट ये कि IGST का ITC बैलेंस रह गया 300। सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है भैया हमारा पहला नियम ध्यान से सुन लो। क्या है पहला नियम? कि पहले IGST को खत्म करो, IGST का कोई क्रेडिट बचना नहीं चाहिए। पर मेरे पास तो कितना बच गया? 300। तो फिर मैं आ गया बेटा CGST पे। मैंने देखा CGST की लाइबिलिटी कितनी है? 300। अब मैंने पहले ऑप्शन 1 में कितने रुपए IGST के यूटिलाइज किए थे? 200 रुपए। अब मैं बोल रहा हूं कि सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं, और सिचुएशन को बदलते हैं और इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए अब हम केवल यहां 200 के जगह 100 रुपए का ही यूटिलाइजेशन करते हैं। पहले क्योंकि स्वतंत्रता है ना बेटा, फ्रीडम है, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, तो अब तो मर्जी के मालिक हो गए अपन। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 300 में से 200 यूटिलाइज किए थे, अब मैं 300 में से सिर्फ 100 यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 रुपीज IGST का ITC यहाँ यूटिलाइज कर लिया। फिर SGST की लाइबिलिटी वो भी 300 रुपये थी, प्रॉब्लम में देख लो ये 300 रुपये SGST की लाइबिलिटी। अब 300 में से 100 यूटिलाइज हो गए तो बचे कितने? 200। तो 200 IGST का ITC यूटिलाइज कर लिया। वापिस पिछले सॉल्यूशन पे जाओ, 100 पहले 200 बाद में, याद रखो। हाँ अब पीछे जाओ, यहां क्या था? 200 पहले 100 बाद में। सरकार ने क्या बोला? इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, मन मर्जी के मालिक। तो अब मैंने मर्जी बदल दी, तो ये जो मेरे पास में 300 रुपये का ITC अवेलेबल था, 100 रुपये यहाँ यूज कर लिए, 200 रुपये यहाँ यूज कर लिए। सरकार बोल रही थी कि इसको पहले यूज करो, मैंने बोला माई बाप पहले यूज कर लिया मैंने, देख लो 300 रुपये माइनस आंसर आ गया जीरो। तो ये भी मैं बोल रहा हूँ कट करके कितने हो गए? जीरो। IGST का ITC मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब मेरे पास में CGST का क्रेडिट अवेलेबल है 200। ये CGST का जो क्रेडिट है ये अवेलेबल है 200 रुपये। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कि CGST का ITC CGST की लाइबिलिटी पे करने में यूटिलाइज हो सकता है, तो मैं ये 200 रुपये यूटिलाइज कर रहा हूँ CGST का ITC यूटिलाइज कर लिया। तो 300 रुपये को पे करने के लिए 200 रुपये पूरा का पूरा CGST का ITC और 100 रुपये IGST का ITC यूटिलाइज कर लिया। तो अब मेरे पास में कोई ITC बचा नहीं, जीरो। CGST की लाइबिलिटी हो गई जीरो, CGST की लाइबिलिटी हो गई जीरो। SGST 300 रुपये था पे करने का, उसका ITC अवेलेबल है 200, तो ये ITC अवेलेबल है 200। 300 रुपये को पे करने के लिए मैं 200 रुपये तो IGST में से ले चुका हूँ, यानी अब मुझे यहाँ से कितने लेने की ज़रूरत है? तो यहाँ से मुझे सिर्फ 100 रुपये लेने की ज़रूरत है। तो मैं लिखूँगा 100 रुपीज़ SGST का ITC यूटिलाइज कर लिया। अब मेरे पास कितना बचा? 100। SGST की लाइबिलिटी कितनी हो गई? तो SGST की लाइबिलिटी हो गई जीरो। और SGST का ITC कितना बचा? तो SGST का ITC बचा 100। तो आप समझ रहे फर्क क्या हुआ? दोनों ही केस में हमने IGST को पहले यूज किया। फर्स्ट यूटिलाइजेशन हमेशा IGST का करना है, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। मैंने वही किया, मैंने आपको पहले
बताया कि भाई हम 200 रुपये CGST पे करने में यूज़ करेंगे IGST का क्रेडिट, और 100 रुपये का SGST के लिए। अब मैंने उसको फ्लिप कर दिया। अब मैंने कहा कि अब मैं मन बदल रहा हूँ और मैं 100 रुपये से 100 रुपये के IGST से CGST को पे करूँगा और 200 रुपये के IGST से SGST को। तो अब जो फाइनली मेरे पास में ITC बचा, वो ITC मेरे पास में बचा किसका? SGST का। और मेरी सब लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई और मेरा IGST का ITC जैसा कि रूल में कहा था एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, वो भी मैंने एग्जॉस्ट कर लिया। मेरे पास में IGST का कोई ITC बचा नहीं। अब आप आते हैं अपने सर्कुलर पे, और ये देखिए सर्कुलर का ऑप्शन 2, यहाँ 100 रुपये बचे हुए दिख रहे। किस खाते में बचे हुए दिख रहे? SGST के खाते में 100 रुपये बचे हैं, और वही मैंने आपको आंसर लाके बताया। ये देखिए, तो इन शॉर्ट, 1 मिनट में रिवाइज करके लेक्चर वाइंड अप करेंगे। इन शॉर्ट, सरकार अब ये कहती है कि बेटा सेक्शन 49 भूल जाओ, सेक्शन 49 है, 49B भूल जाओ, अब नया रूल 88A फॉलो करो। अगर आपको GST की लाइबिलिटी पे करनी है तो पहले IGST का क्रेडिट यूज करो इन एनी ऑर्डर, इन एनी मैनर। और IGST का क्रेडिट आप यूज करेंगे IGST पे करने के लिए, CGST पे करने के लिए और SGST पे करने के लिए। CGST का कोई ITC अवेलेबल है? रूल 2 देख लीजिए, तो उसकी मदद से आप CGST का पेमेंट कीजिए और IGST का पेमेंट। और SGST का कोई ITC अवेलेबल है तो SGST का पेमेंट कीजिए उससे और IGST का। और पहले की तरह दुश्मनी कायम रखिए किसके बीच में? SGST और CGST कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो इस तरीके से मैंने आपको सेट ऑफ के पूरे रूल्स अच्छे से समझा दिए। ये सेट ऑफ के 4 लेक्चर और इसके पहले रजिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 20, यानी पूरे ITC पे अब तक 5 लेक्चर हो गए हैं। पूरे मन से इन लेक्चर्स को कर लीजिए, फिर हर प्रॉब्लम आपके लिए एकदम इजी रहेगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझी होंगी। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।